बहुत समय पहले की बात है, एक चुड़ैल ने एक गांव पर हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया था और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसके सर को धड़ से अलग अलग दफन कर दिया था। फिर कुछ सालों के बाद एक मजदूर जंगल में खुदाई कर रहा होता है, तभी खुदाई करते करते उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं। अरे ये का है, ये बाल किसके हैं? फिर गोपी उन बालों को पकड़कर खींचने लगता है, तभी उसके हाथ में उस चुड़ैल का सर आ जाता है। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है, ये तो किसी का सर है। अरे अब क्या करूं, ये तो किसी चुड़ैल का सिर लगता है। हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, इसे गांव लेकर चलता हूँ, इसे गांव के सरपंच को सौंप दूंगा, फिर वही फैसला लेंगे कि इसका क्या करना है। फिर घर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो जाती है। फिर वह उस सिर को खिड़की के पास रखकर सोने चला जाता है। फिर आधी रात होते ही उसमें जान आ जाती है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। गांव वालों, अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ गया है। अजी देखिए ना, साथ वाले कमरे से कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अरे मर गए रे, कहीं उस सिर में जान तो नहीं आ गई? अजी आप किस सिर की बात कर रहे हो जी? हाँ, जब मैं जंगल में खुदाई कर रहा था तब मुझे एक सिर मिला था। मैं उसे घर ले आया, सोचा था सरपंच को सौंप दूंगा, लेकिन रात हो गई तो इसे घर पर ही रख लिया। अरे नास मिटे, चुड़ैल का सर घर पे क्यों ले आया? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वह सिर उनके कमरे में आ जाता है। अच्छा तो तू ही है जिसने मुझे आजाद करवाया है। हाँ जी चुड़ैल जी, मैंने ही आपको जमीन से बाहर निकाला था, कृपा करके हमें छोड़ दो। ठीक है, तेरी वजह से ही मैं आजाद हुई हूँ, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे वापस उसी जगह पर जाकर मेरा धड़ भी खोद कर निकालना होगा। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं सबसे पहले तेरी पत्नी का सिर खाऊंगी, फिर इसके धड़ पर अपना सर जोड़ूंगी। अरे मर गई रे, नहीं नहीं चुड़ैल जी, कृपा करके रुक जाओ। अजी जल्दी जंगल जाओ और इस चुड़ैल का धड़ खोद कर इसे दे दो, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप ऐसा मत करिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और आपको आपका धड़ ढूंढ कर देता हूँ। फिर वह कटा हुआ सिर और गोपी आधी रात को जंगल की ओर चल देती हैं। फिर उसी जगह पहुंचकर धड़ की तलाश शुरू कर देता है। वह बहुत देर तक खुदाई करता है, फिर उसे वह धड़ भी मिल जाता है। चुड़ैल अपना धड़ देखकर खुश हो जाती है। तभी गोपी वहां से भाग जाता है। फिर वह कटा हुआ सर उस गड्ढे में चला जाता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी चुड़ैल गड्ढे से बाहर निकल आती है। गांव वालों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। Ha 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 ha!
फिर गोपी भागता भागता सीधा सरपंच के घर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, दरवाजा खोलो, अनर्थ हो गया है, वह सिरकटी चुड़ैल वापस आ गई है। फिर सरपंच अपने घर से बाहर आता है। फिर गोपी उसे सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, हमने उस चुड़ैल के दो टुकड़े किए थे, अब वह बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी, हमें अभी कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वह चुड़ैल जंगल से निकलकर वापस गांव में आ जाती है। ए गांव वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो, तुम लोगों ने किस तरह मेरे दो टुकड़े किए थे, अब बदला लेने का समय आ गया है। सब गांव वाले छुप छुप कर उसे देखते रहते हैं और वह चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूमती रहती है। सरपंच जी, वह देखिए, वह चुड़ैल गांव वालों की तलाश में इधर उधर घूम रही है, अगर कोई गांव वाला इसे मिल गया तो ये उसका सिर धड़ से अलग कर देगी। भाई, किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ, वरना सुबह होने तक कोई नहीं बचेगा। सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है, हम इस चुड़ैल को उस पुराने घर में कैद कर सकते हैं, मैं इस चुड़ैल का भोजन बनकर उस घर में जाता हूँ, ये मेरा शिकार करने वहाँ जरूर आएगी। फिर इतना बोलकर भीमा भागकर उस घर के बाहर पहुँच जाता है और उस चुड़ैल को पुकारने लगता है। ए चुड़ैल, देख तेरा काल यहाँ खड़ा है, मैंने ही तेरे दो टुकड़े किए थे, इतनी जल्दी भूल गई क्या? ए, अच्छा हुआ जो तू खुद मेरे सामने आ गया, मुझे कब से तेरी तलाश थी, रुक तुझे अभी बताती हूँ। फिर जैसे ही चुड़ैल भीमा की तरफ जाती है, भीमा भागकर घर के अंदर चला जाता है और एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। उस घर की छत पर गोपी और शिवा पहले से मौजूद होते हैं। भीमा भाई, तुम घबराओ मत, जैसे ही चुड़ैल तुम्हारे करीब आएगी हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। फिर चुड़ैल भी भीमा का पीछा करते करते उस घर में घुस जाती है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा मूर्ख। फिर जैसे ही वह चुड़ैल भीमा पर हमला करती है, तभी गोपी रस्सी को नीचे फेंक देता है और भीमा उस रस्सी के सहारे घर की छत पर चढ़ जाता है। फिर तीनों लकड़ी की मदद से छत का छेद बंद कर देते हैं और सरपंच घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देता है ताकि वह चुड़ैल घर से बाहर ना निकल पाए। फिर वह चुड़ैल उस घर में कैद हो जाती है। ए मूर्ख गांव वालों, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे इस घर में कैद कर लोगे? भाइयों, मुझे लगता है हम ज्यादा देर तक इस चुड़ैल को कैद नहीं कर पाएंगे। सरपंच जी, बस थोड़ी देर में सूरज निकलने ही वाला है, हमें थोड़ी देर तक इस चुड़ैल को इसी घर में रोक के रखना होगा। फिर चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तभी दिन हो जाता है और आकाश में सूरज निकल आता है। फिर गोपी छत पे रखी लकड़ी को भी हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर जा सके। फिर सूरज की रोशनी घर के अंदर जाते ही वह चुड़ैल तड़पने लगती है। ए गांव वालों, तुमने फिर से मुझे धोखे से इस घर में फंसा लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मर गई रे, हाय हाय मर गई रे, ये सूरज तो मुझे जला कर ही दम लेगा। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और एक बार फिर गांव वालों की एकता की वजह से लोग चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं।